आई मीन डिसलडॉर्फ और यहाँ का जो मेन स्टेशन है उडलडॉर्फ, यहाँ पे मुझे इराकी अंकल मिले हैं मिस्टर अहमद। तो आज ये टूर पे लेके जाने वाले हैं कि कैसे क्या है। खाना तो मस्त था, मज़ा आ गया एकदम ही, मतलब फील ही आ गई बाइक पर। सो अंकल, हाउ वाज द फूड? Amazing. Yeah. खाना खा के तो मज़ा आ गया और बिल देख के भी मज़ा आ गया। 23.5 यूरो विच इज़ अराउंड 2000 रुपीस। एंड हियर इट इज, ये डसलडॉर्फ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यानी अराउंड 240 मीटर के तकरीबन इसकी हाइट है। मतलब इतना ओपन स्पेस है यहाँ पे, मज़ा आ गया। और अंकल यहीं पे रह रहे हैं पिछले 5-6 साल से, सो उनके एक्सपीरियंस से इट्स हेल्पिंग अलॉट। गेरना मीन्स प्लेजर। ओके, देख के तो इतना फील नहीं आ रहा था, पर पास से देख के लग रहा है इट्स लाइक ह्यूज। और लोकेशन जो है वो काफ़ी खुली है, मतलब काफ़ी ओपन स्पेस है इधर। Glass. This one? Yeah, it's made up of glass. So, वो है लक्ष्य मेरा। तो अब राइन टावर के अंदर एंट्री करने वाले हैं और फिर उसके लिए कुछ टिकट वगैरह कटाना होता है, एंड देन यू कैन रियली गो अप। तो उधर जो है वो टिकट सेंटर है और उसके बाद में ये टिकट आपको मिलेगा, यहाँ से स्कैन करना है। और इस टिकट की कॉस्ट जो है वो 10 यूरो है। अब देखते हैं एक्सपीरियंस जो है वो वर्थ 10 यूरो है कि नहीं है। ओके, ये लिफ्ट बना रखी है इन्होंने, तो इस लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना है। और लग रहा है लिफ्ट नीचे आ रही है और फिर सीधा ऊपर लेके जाएगी। ओके, ऊपर जाने का टाइम आ गया है और 68. Oh, oh, hi, sir. It looks so amazing here. व्यू तो पर कुछ भी, वो ऊपर से ऑसम भी है और डरावने वाला भी, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि हम ऊपर ही खड़े हैं बिल्डिंग्स के हवा में। पूरा यहाँ से डिसलडॉर्फ तो दिख ही रहा है। और ये वही शिप है जहाँ पे अभी हम कुछ टाइम पहले थे। एंड इट गिव्स अ कंप्लीट पैनोरामिक व्यू बेसिकली। और ये पूरा का पूरा मतलब सिटी व्यू है यहाँ का, जैसे सिटी बसी, मतलब एक तरफ का तो रिवर वाला व्यू है, एक ये व्यू है, तो पूरा सर्कुलर है, तो यू गेट टू सी ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ डिसलडॉर्फ। आई थिंक इट इज ये यहाँ पे इन्होंने एक टेलीस्कोप टाइप से भी दे रखा है, टेलीस्कोप ही है इनफैक्ट। और इधर अलग अलग प्राइस है, 50 सेंट, 1 यूरो, 2 यूरो। तो यहाँ पे कॉइन इंसर्ट करना होगा और उसके हिसाब से देख करके देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, 50 सेंट्स देखते हैं क्या होता है। लग जाए तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप मतलब बर्गर का स्नैक्स आइटम तो मिल ही जाएगा। वैसे भी इमरजेंसी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फीमेल और मेल वॉशरूम भी बना रखा है ऊपर के ऊपर ही, ताकि बार बार नीचे दौड़ के ना जाना पड़े। किंग इट, इट इज़ गुड। एंड हाउ अबाउट यू? ओके, एंड हाउ अबाउट यू ब्रदर? आई एम ग्रेट। You are great. And what about the view? It's wonderful. Wonderful? Yeah, it is. Bye bye. यू तो यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जो कि ऊपर जाने पे है, पर वो 6 PM के बाद खुलता है।
और अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम मेरे पास में होगा नहीं वापस फ्रांस के लिए फ्लाइट पकड़नी है, बट इट वॉज फन, मज़ा आ गया यहाँ पे उठ के। एंड लुक्स तो बहुत ही प्यारा है ऊपर से, तो आई थिंक विजिट तो करना चाहिए, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। जो अंदर देख के आए थे वो जो लाइटें लगी हुई थी, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इतनी सारी जो लाइटें लगी हुई है ये रात में लगती है, और ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल क्लॉक बोला जाता है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ऐसे आपको पैटर्न समझ नहीं आएगा, लेकिन जब ये लाइटें जब लगती है यहाँ पे तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला आवर को बताएगा, नीचे वाला मिनट को, फिर उसके नीचे जो होगी वो सेकंड को, तो इस तरीके से जो है दूर से आवर मिनट सेकंड से देखा जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल क्लॉक है ये एक तरह से, मतलब इस पिलर के ऊपर लगता है, तो इट लुक्स रियली, आई बिलीव रात में और भी सुंदर लगता होगा। लाइटिंग का लाइटिंग और क्लॉक का क्लॉक दोनों पर्पज़ फुलफिल कर रहा है, एस्थेटिक ब्यूटी भी ऐड कर रहा है। और इंडिया की तरफ से इनको थैंक्स, क्योंकि आइसक्रीम भी उन्होंने खिलाई है और साथ साथ में इन्होंने काफ़ी घुमाया भी है, और इनके एक्सपीरियंस से मेरे को काफ़ी कुछ जल्दी सीखने को हो गया और भटका नहीं मैं, नहीं तो मैं इतना घूम नहीं पाता। सो थैंक यू वेरी मच, कुछ ना अभी चीज, आई मस्ट बिलीव ये भी जर्मन में कुछ अच्छा होगा। सो इसी के साथ यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है, और अब वापस चलते हैं एयरपोर्ट, जहाँ से अपन आगे के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।